यूपी के आगरा में दो पक्षों के बीच विवाद में एक आदमी की मौत हो गई। जमीन विवाद की वजह से एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। विवाद के समय दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। मारपीट के समय एक आदमी ने फायरिंग कर दी, जिससे दूसरे पक्ष के एक आदमी की मौत हो गई। मारपीट के समय दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हो गए। आदमी की मौत होते ही गांव में मातम छा गया। आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। गांव वालों ने बताया कि जिसने गोली मारी है उसका नाम शिव है, कि गोली मारने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। जमीन की वजह से एक परिवार के दो पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झगड़ा और मारपीट हुई, लेकिन इस बार एक आदमी ने फायरिंग कर दी, जिससे दूसरे पक्ष के एक आदमी की मौत हो गई। बहुत बड़ी खबर है, ईरान की फौज के ठिकानों पर इजराइल के हमलों पर। इसराइल ने ईरान की फौज के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। तीन दिन से ये हमले हो रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीरिया में ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ईरान की फौज के ठिकानों पर इसराइल मिसाइलें दाग रहा है। ये भयानक हमले अचानक शुरू हुए हैं, जिसके बाद वहाँ अशांति और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंग शुरू हो चुकी हो। इसराइल के ये ताबड़तोड़ हमले तब शुरू हुए हैं जब यूक्रेन की जंग में ईरान की बड़ी भूमिका की बात सामने आई है। लेकिन जिस तरह से ये ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वहाँ नई जंग शुरू होती दिखने लगी है। इसीलिए सीरिया में हो रहे हमलों का सीधा कनेक्शन अब यूक्रेन से भी माना जाने लगा है। ताबड़तोड़ हवाई हमलों के जरिए इसराइल ने ईरान को झकझोर कर रख दिया है। ईरान की फौज के ठिकानों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से सीरिया में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। पहले इस तरह के हमले रात के वक्त हुआ करते थे, लेकिन बीते दो दिन से ईरान की फौज को दिन में भी चैन नहीं मिल रहा। दिन रात आसमान से आग उगलती मिसाइलों की बरसात हो रही है। हालांकि सीरिया की फौज ने दावा किया है कि उन्होंने इस तरह के कई मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है। अचानक हो रहे ताबड़तोड़ हमलों की वजह ईरान की भी समझ से बाहर है, क्योंकि एक दिन पहले ईरान के हथियारों के कारखानों को निशाना बनाया गया था। दावा तो यहां तक किया गया था कि उस कारखाने में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन बन रहे थे। इसीलिए हमलों का सीधा कनेक्शन यूक्रेन की जंग से जोड़ा जाने लगा। लेकिन इसराइल के हमले अब थमने का नाम नहीं ले रहे। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि रूस का साथ देने की वजह से ईरान अब इसराइल के निशाने पर है। यानी साफ है कि जंग केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब यूक्रेन की जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसराइल के तेवर साफ कर रहे हैं कि वो अब ईरान के साथ निर्णायक जंग लड़ने का फैसला कर चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि इसराइल ने पिछले करीब 1.5 महीने से सीरिया में कोई हमला नहीं किया था। हालांकि उससे पहले इसराइल के सीरिया की जमीन पर हमले आम बात हुआ करती थी। वहां विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए अक्सर इस तरह के हमले होते थे, लेकिन इस तरह के ताबड़तोड़ हमले पहले कभी नहीं हुए थे। अचानक बीते 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी? सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइल के इन हमलों का मकसद क्या है। इसराइल की कोशिश ईरान को सजा देने की है, या वो किसी खास निशाने को दागने की कोशिश में है? ये अहम इसलिए है क्योंकि इन हमलों से ठीक पहले इसराइल ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए थे। दावा किया गया था कि ईरान सारे प्रतिबंधों का मजाक बना रहा है और दुनिया से चिपकर वो खतरनाक हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है। इसराइल का आरोप है कि ईरान के बनाए ड्रोन का इस्तेमाल ही यूक्रेन में चल रही जंग में किया जा रहा है, जिसका इसराइल ने सबूत देने का भी दावा किया था। लेकिन सबूत देने से पहले उसने ऐसे ताबड़तोड़ हमले शुरू किए कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इसराइल की फौज का यह ऑपरेशन इस बार सीरिया तक सिमटता नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बार ईरान के पास रूस का भी समर्थन है। एक दिन पहले ही रूस ने ईरान से हथियार लेने के आरोपों पर सफाई दी थी। रूस ने साफ कहा था कि जब नेटो देश यूक्रेन को खतरनाक हथियार दे सकते हैं, तो उसे भी अपने दोस्तों से मदद लेने का पूरा अधिकार है। मतलब ये कि अगर ईरान को रूस का साथ देने की सजा दी गई तो रूस भी जंग में कूद सकता है। यानी यूक्रेन की जंग में ईरान के कूदते ही समीकरण बदल गए हैं। ईरान के नाम पर दुनिया एक बार फिर बढ़ती हुई दिखने लगी है। ऐसी खेमेबंदी होने लगी है जो दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। यानी इसराइल का इस बार का एक्शन बहुत बड़ी तबाही की दस्तक साबित हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने दोनों ही चीजें अपनी बॉडीगार्ड को सौंपी। राष्ट्रपति की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर देकर खुशी हुई। बॉडीगार्ड को उनके सभी कामों में अनुशासन और सेना की शानदार परंपराओं को निभाने के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्र उन पर गर्व करता है। बॉडीगार्ड के कमांडेंट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को शानदार परेड, घोड़ों के प्रदर्शन और प्रभावशाली कपड़ों के लिए शुभकामनाएं।
पटना पुलिस पर अवैध जुए के अड्डे को संरक्षण देने और अवैध रूप से वसूली के आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में एक सुनसान गली में पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिससे थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग एक साथ बैठे नजर आए। इन लोगों पर अवैध रूप से जुआ खेलने के आरोप लगे। इस बीच दो लड़के जुआ खेल रहे लोगों के पास से पुलिस की जीप की ओर आते दिखे। ये लोग पुलिस की जीप के पास आकर पुलिस वाले से कुछ बात करने लगे। पुलिस वाले पर अवैध रूप से जुए के अड्डे को संरक्षण देने के साथ ही लड़कों से अवैध रूप से पैसे लेने के भी आरोप लगे। पुलिस की जीप मेहंदीपुर थाने की बताई गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रात के समय लोगों का जमावड़ा तो लगा हुआ दिखाई दिया। इस बीच रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के अगले ही दिन अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियारों का टेस्ट कर दिया। चीन ने पिछले ही साल हाइपरसोनिक हथियारों का सफल परीक्षण किया था, जिसके बाद से अमेरिका बेताब है। और ये बेताबी तब और बढ़ गई जब रूस ने अपनी न्यूक्लियर ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइलों का दम दिखाया, क्योंकि अगले ही दिन अमेरिका ने हाइपरसोनिक हथियारों का टेस्ट किया और ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ने वाला रॉकेट दागा। ये रॉकेट तेजी से आसमान की ओर गया और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। अमेरिका की आर्मी और नौसेना ने ये टेस्ट वर्जीनिया में किया और वो एक और रॉकेट यहीं से दागने वाला है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका 13 और हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग करने वाला है। मतलब बाइडेन ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इन मिसाइलों की गति इन्हें। इसीलिए कोई कदम उठाने से पहले रूस की तरफ से इतनी बड़ी चेतावनी दी गई है। एंटी सैटेलाइट वेपन दुनिया में केवल 4 मुल्कों के पास है। रूस के अलावा अमेरिका, चीन और भारत के ही पास ऐसी तकनीक है। पिछले साल रूस ने अपने ही एक बेकार हो चुके सैटेलाइट को नष्ट किया था। मतलब ये कि रूस जो करने की धमकी दे रहा है वो असंभव नहीं है। रूस ने दावा किया कि अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट का इस्तेमाल दुनिया के भले के लिए होना चाहिए, जंग में किसी का दबदबा कायम करने के लिए नहीं। इधर बॉर्डर पर चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए भारत ने लेजर से हमला करने वाली तकनीक विकसित की है, जिसे हाई पावर माइक्रोवेव वेपन कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस हथियार से चीन LAC पर पूरी तरह लाचार हो जाएगा, क्योंकि इस तकनीक से चीन के न केवल रेडार सिस्टम बल्कि ड्रोन और हाईटेक कैमरे भी काम करना बंद कर देंगे। भारत का यह हथियार वक्त पड़ने पर लेजर से हमला करेगा। असल में चीन इसी तकनीक के जरिए बॉर्डर पर भारत के रडार सिस्टम, ड्रोन और कैमरे को समय समय पर बंद करने की फिराक में रहता है, लेकिन अब भारत ने भी ऐसी तकनीक विकसित कर उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यह जो वेपन है ये बहुत ही कारगर होगा। भारत का यह हथियार चीन से कई कदम आगे है, क्योंकि चीन का हाई पावर माइक्रोवेव वेपन जहां 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में असरदार है, वहीं भारत के इस हथियार की जद में LAC के पास 10 किलोमीटर के इलाके में चीन का सर्वेलेंस सिस्टम होगा। रूस का कहना है कि पुतिन को फंसाने के लिए ज़ेलेंस्की चेर्नोबिल में बहुत ही शातिर परमाणु चाल चलने वाले हैं। उसका दावा है कि यूक्रेन जानबूझकर खुद पर हमला करके उसका ठीकरा रूस पर फोड़कर उसे विलेन बनाने की साजिश बन रहा है, और इसके लिए यूक्रेन ने रूस के ही हथियार इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को अपना हथियार बना लिया। क्योंकि रूस जंग की शुरुआत से ही अपनी इस्कंदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर आग बरसा रहा है। चाहे आम बम हो या परमाणु बम, इस्कंदर मिसाइल दोनों दागने की ताकत रखती है। और तो और वो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी माहिर है, यानी इस्कंदर मिसाइल रास्ता बदलकर अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। वहीं चेर्नोबिल परमाणु प्लांट शुरुआत से ही जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एक महीने में ही उसे वहां से निकलना पड़ा था।